लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। लव स्टोरी दश ऋषि कपूर को जब प्यार में मिला धोखा तो नीतू को प्रपोज कर डाला। देखिए इनका वेडिंग एल्बम। नीतू कुमार ऋषि कपूर अपने दौर के लवर बॉय थे और जब नीतू सिंह ने उनके साथ फिल्म जहरीला इंसान में काम किया तो उनके प्यार में पड़ गईं। नीतू ऋषि के प्यार में पड़ी। नीतू का पहला प्यार तो ऋषि ही थे, लेकिन ऋषि का पहला प्यार थी बॉबी यानी डिम्पल कपाड़िया। फिल्म बॉबी में ऋषि कपूर ने डिम्पल के साथ काम क्या किया, वो तो उनसे प्यार कर बैठे थे। डिपंगल से रोमांस शुरू हुआ तो ऋषि ने उन्हें अपने नाम की एक अंगूठी भी पहना दी थी, लेकिन शायद ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। एक प्लेन में राजेश खन्ना से डिम्पल की मुलाकात क्या हुई, वो उन्हें अपने सपनों की रानी बनाकर उड़ा ले गए। ऐसे में ऋषि ने अपनी नीतू से अपना गम बांटा और फिर ये दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। ऋषि कपूर फिल्मी पर्दे पर जितने रोमांटिक दिखते हैं, असल में वो ऐसे बिल्कुल नहीं थे। ऋषि अपनी को स्टार नीतू को बहुत तंग करते थे। कई बार तो सेट पर उन्होंने नीतू को जरूरत से ज्यादा परेशान किया। आज भी नीतू ऋषि की उन कारगुजारियों को नहीं भूली है। ऋषि नीतू को तंग करते थे, उन्हें चिढ़ाते रहते थे। नीतू ये जानती थी कि ऋषि अच्छे बॉयफ्रेंड प्रेम नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी वो उनके प्यार में पड़ गई। ऋषि कपूर भले ही अपनी गर्ल फ्रेंड से मिले गम नीतू के साथ शेयर करके अपने दिल को बहलाते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में दोस्त नीतू दस्तक दे रही थी। नीतू जब अपनी एक फिल्म की शूटिंग के लिए कश्मीर गई, ऋषि को उनकी कमी खाली थी और उन्होंने उन्हें तार भेजकर अपने प्यार का इजहार किया। रियल लाइफ में ऋषि नीतू का रोमांस परवान चढ़ रहा था और उधर दर्शकों ने इस जोड़ी को सिर आंखों पर बिठाया। ऋषि और नीतू ने एक साथ 12 फिल्मों में साथ काम किया। फिल्म दर फिल्म ये जोड़ी मशहूर होती रही और इनकी लव स्टोरी फिल्मी मैगजीन्स के लिए चटपटी खबर बनती रही। ऋषि नीतू तो एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, लेकिन नीतू की माँ राजी नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी प्यार व्यार के चक्कर में पड़े। नीतू अपने करियर में आगे बढ़ रही थी और उनकी माँ को लगता था कि लव अफेयर की खबरें कहीं नीतू का करियर ना तबाह कर दें। नीतू की माँ राजी बेटी के लिए इतनी फिक्रमंद रहती कि जब भी वो ऋषि के साथ डेट पर जाती तो माँ नीतू के कजिन ब्रदर को भी साथ भेजती थी। ऋषि कपूर की इमेज भी कैसानोवा वाली थी और नीतू की माँ जानती थी कि ऋषि ने नीतू से शादी ना करने की बात पहले ही कह दी है। ऐसे में वो दिल फेंक ऋषि से अपनी बेटी को बचकर रहने को कहती थी। लेकिन जब बाद के दिनों में ऋषि ने नीतू को प्रपोज किया तब वो अपनी माँ को मनाने में कामयाब रही। ऋषि ने नीतू को प्रपोज भी कुछ फिल्मी अंदाज में किया था। हम दोनों ने लंबे समय तक डेटिंग की, साथ में घूमे फिरे, लेकिन मुझे कभी नहीं लगा कि वो मुझसे शादी करेंगे। फिर एक दिन उन्होंने मेरे मेकअप रूम में पूछा कि मैं इतनी फिल्में क्यों साइन कर रही हूँ, क्या मुझे शादी वादी नहीं करनी है। इस पर मैंने कहा किससे, उन्होंने फौरन कहा मुझसे। 1979 तक ऋषि कपूर के परिवार वालों को भी इस बात पर यकीन हो चला था कि घर में आने वाली अगली बहू भी बॉलीवुड हीरोइन होगी। एक बार नीतू ने ऋषि कपूर को उनके बर्थडे पर पब्लिकली किस कर दिया और उसके बाद कपूर खानदान को ऋषि नीतू के अफेयर की खबर लग गई। ऋषि कपूर और नीतू ने शादी का फैसला कर लिया था तो राज कपूर के पास इस जोड़ी को आशीर्वाद देने के सिवा कोई और चारा नहीं बचा था। नीतू ऋषि की जोड़ी को घर वालों की रजामंदी मिल चुकी थी, बस एंगेजमेंट होनी बाकी थी। जिस तरह ऋषि नीतू की लव स्टोरी एक फेरी टेल कहानी जैसी थी, कुछ उसी तरह उनकी एंगेजमेंट भी किसी फिल्मी सीन से कम नहीं थी। 13 अप्रैल 1979 को ऋषि नीतू दिल्ली में एक दोस्त के एंगेजमेंट में पहुंचे थे और उसी फंक्शन में इनका भी रिश्ता पक्का कर दिया गया। ऋषि और नीतू की शादी बॉलीवुड की यादगार शादियों में से एक रही। 22 जनवरी 1980 को लवर ब्योय ऋषि कपूर नीतू सिंह के साथ शादी के बंधन में बंध गए। राज कपूर ने ऋषि और नीतू के रिसेप्शन पार्टी में पूरे बॉलीवुड को न्योता भेजा था। इस शादी में नरगिस और सुनील दत्त भी पहुंचे थे। अपनी फिल्मों की तरह राज कपूर ने इस शादी पर भी पानी की तरह रुपया बहाया था। दो सितारों की शादी में बॉलीवुड के तमाम नामचीन सितारे पहुंचे। ऋषि के साथ साथ फेरे लेते ही नीतू ने फिल्मों से नाता तोड़ दिया। उस दौरान उन्होंने जितनी भी फिल्में साइन की थी सब छोड़ दी। हर फिल्म की साइनिंग अमाउंट लौटा दी गई। नीतू ने तो फिल्म नसीब के कई सीन भी शूटिंग कर ली थी, लेकिन जैसे ही वो कपूर परिवार की बहू बनी अपनी अधूरी फिल्मों को भी छोड़ दिया। बाद में उनका रोल किम ने प्ले किया। शादी के बाद नीतू एक अच्छी बहू और पत्नी बनकर कपूर परिवार में घुलने मिलने लगी। शादी के वक्त नीतू सिर्फ 21 साल की थी और उस उम्र में बॉलीवुड करियर छोड़ एक घरेलू जिंदगी जीने लगी। शादी के एक साल बाद ही नीतू माँ बन गई। बेटी रिधिमा का जन्म 1981 में हुआ तो 1982 में रणबीर कपूर पैदा हो गए।
नीतू अपने बच्चों की परवरिश में जुट गई और ऋषि कपूर फिल्मों में अपनी लवर ब्योए वाली इमेज को बरकरार रखने में जुट गए।